नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ साइंस, यूपी राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स कोर्स कोड UGPHS 10N, कोर्स टाइटल वेक्टर मैकेनिक्स एंड जनरल फिजिक्स के अंतर्गत यूनिट सेकेंड डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। डायनेमिक्स इंट्रोडक्शन। इन प्रीवियस यूनिट वी हैव स्टडीड अबाउट वेक्टर एनालिसिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर। इन प्रेजेंट यूनिट वी स्टडी अबाउट डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल। डायनेमिक्स इज ए पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स कंसर्न विथ मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप एमंग फोर्स मैटर एंड मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैकेनिक्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर हेड एंड सोल ऑफ फिजिक्स। ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर स्टडिंग द यूनिट वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स मोमेंटम एंड इम्पल्स। स्टडिंग ऑफ मैकेनिक्स एंड देयर टाइप्स फेमिलियर विथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। स्टडिंग अबाउट इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मोशन व्हेन सब्जेक्ट टू फोर्सेज आर डिस्प्लेसमेंट एंड द सबसिक्वेंट इफेक्ट ऑफ बॉडीज ऑन देयर एनवायरमेंट। मैकेनिक्स आर टू टाइप्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स आर द सब पार्ट ऑफ पार्टिकल डायनेमिक्स, रिजिड डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। स्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट ट्रीट्स ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर स्टेशनरी आर एट कॉन्स्टेंट वेलासिटी। डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल आर बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ बॉडीज विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स विच कॉज द मोशन। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द मास ऑफ बॉडी एंड द मोशन ऑफ बॉडी। Kinetics is the study of motion of bodies, displacement, velocity, acceleration and time without reference which cause the motion. Concept of force. Basic concept of force is the defined by Newton's laws of motion. Force is defined as push or pull which tries to change or changes the state of rest or uniform motion. बॉडी व्हाट फोर्स कैन डू? फर्स्ट, फोर्स कैन स्टार्ट ए बॉडी मीन्स इट कैन सेट ए बॉडी इन ए मोशन। इट कैन स्टॉप द बॉडी दैट इज रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। इट कैन एक्सीलरेट द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। टाइप ऑफ फोर्सेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज। पहला कॉन्टैक्ट फोर्सेज, सेकेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। The forces that act on a body either directly or through a medium are called contact forces. Example, muscular forces, mechanical force, frictional force. दूसरा है non-contact force, forces that act through space without making direct contact with the body are called non-contact forces. For example, gravitational force, electrostatic force, magnetic force, nuclear force. अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी देयरफॉर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। व्हेन फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी दे डिफॉर्म द बॉडी आर ट्राई टू डिफॉर्म इट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। वन न्यूटन इक्वल टू 1 kg/s². In CGS system, the unit of force is dyne. One dyne is equal to 1000 g/100 cm/s². Therefore, 1 N equal to 10^5 dyne. Second type of units is gravitational unit, kilogram force in MKS system. 1 kg force equal to 9.8 N. Second gram force CGS unit, 1 g force equal to 980 dyne. Newton's laws of motion. This is the basic laws of mechanics given by Sir Isaac Newton,
which govern motion of various objects. First law of Newton's is known as law of inertia. A body continues to remain in its state of rest or of uniform motion along a straight line so long as no external force acts on it. Mathematically, it may be stated as if A equal to zero, that is, अगर किसी भी बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो है तो उस पर जो एक्टिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी. फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ ए बॉल फॉलिंग डाउन थ्रू द एटमोसफियर. सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इज नोन एज लॉ ऑफ फोर्स. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज F equal to dp by dt, where p is the momentum of the body, or p equal to mv, to dmv upon dt, m dv by dt, a change in velocity is known as acceleration, hence F equal to m. This is the popular law of Newton's motion. Third law of motion, law of action and reaction. To every action, there is always an equal and opposite reaction. This law involves the interaction between two bodies. The forces of action and reaction are internal forces and act upon two different bodies. That is, F suffix 12 is equal to minus of F suffix 21. For example, the relationship between the forces that allow a robot to move through the water. Second example, firing of a bullet. नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सेकेंड, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड इन केस व्हेयर द मास ऑफ बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट. हेंस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ओनली होल्ड ट्रू फॉर पार्टिकल विद कॉन्स्टेंट मास. Therefore, we can say that second law of motion is valid where mass is constant. Third law of motion is hold good for practical purpose but fails when it is applied at atomic scale. कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल पर्पज में फर्स्ट थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है, लेकिन बहुत नीचे स्केल पे, स्मॉल स्केल पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यूज इन सर्टेन सिचुएशन जस्ट लाइक एट वेरी स्मॉल स्केल, एट वेरी हाई स्पीड, एट वेरी स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड. नेक्स्ट आता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड दैट यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिजिड बॉडी इन दैट फ्रेम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फर्स्ट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट आर मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स्ड सिस्टम इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इट इज अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ होल्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रेन मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. सेकेंड, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज which accelerate with respect to assumed inertial frame of reference or rotating is called non-inertial frame of reference. Newton's law do not hold in this frame of reference. Example of non-inertial frame of reference is a turning car with constant speed. Next, momentum. It is defined as the quantity of motion contained in a body. It is measured as the product of mass of body and its velocity with the same direction as that of velocity. It is a vector quantity and is represented by P. We can say that momentum, किसी भी बॉडी का अगर उसकी बॉडी के मास और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक नई क्वांटिटी मिलती है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर इनटू सेकेंड. नेक्स्ट, इम्पल्स. द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स
and time interval for which the force acts on the body. Impulse is equal to change in linear momenta of the body. In simple sentence, we can define impulse is the rate of change of linear momenta is known as impulse. Unit, impulse is same unit of linear momenta. It is a vector quantity and is direction and is the direction of linear momenta. Example of impulse is a person is better off falling on a wooden floor than a concrete floor. Next, work. Work is said to be done by a force when the body is displaced through some distance in the direction of applied force. The work done by a force is the product of displacement and the component of applied force of the object in the direction of applied force. Mathematically, W equal to F into D and its unit is joule. So W equal to F into D, in direction में D है, इसके theta angle पे एक force apply कर रहा है, ये direction F into cos theta है, तो इसकी तीन बात हो सकती है कि when theta is less than 90 degree, तो cos theta is positive, hence work done is positive. अब next, if theta equal to 0, cos theta is equal to plus 1, hence work done by gravity on body falling freely is positive. Next condition, if theta is greater than 90 degree, cos theta is negative, hence work done is negative. So we can say that on the basis of force and displacement, we can calculate work done by a body. Next, power. We can define power as the rate of doing work and it is the amount of energy consumed per unit time. That is, power is the rate of doing work. Therefore, it can be calculated by dividing work done by time. That is, P equal to W upon T, where P is power, W is work done, and T is time taken. Power is a scalar quantity. The SI unit of power is joule per second. This is known as watt. Watt can be defined as the power needed to do 1 joule of work in 1 second. The unit watt is dedicated in honor of Sir James Watt, the developer of steam engine. Another popular unit of power is horsepower, that is 1 horsepower is equal to 746 watt. Energy, the amount of work that a body or a system can perform is known as its energy. That is, another sentence we can say that doing the capacity of work by a body is known as energy. Law of conservation of energy is stated as energy can neither be created nor destroyed and it can only be transferred from one form to another form. This is known as law of conservation of energy. The unit of energy is joule. All forms of energy are either kinetic or potential. The energy in motion is known as kinetic energy, whereas potential energy is the energy stored in an object and is measured by the amount of work done. There are other types of energy are given below. Just like mechanical energy, mechanical wave energy, chemical energy, electrical energy, magnetic energy, radiant energy, nuclear energy, ionization energy, elastic energy, gravitational energy, thermal energy, heat energy, and so on. Next, example of work. यहाँ पे हम एक example लेकर के work के बारे में calculate करेंगे. Example, an object is horizontally dragged across the surface by a 100 Newton force acting parallel to the surface. Find out the amount of work done by the force in moving the object through a distance of 8 meter. तो देखिए, इस प्रॉब्लम में हमें F equal to 100 Newton दिया है, D equal to 8 meter. हमें पहले क्या निकालना है? हमें work done निकालना है.
तो एफ और डी को, सिंस एफ एंड डी आर इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा को इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा वर्क का फार्मूला होता है। इसमें हम एफ इक्वल टू दिया है 100 न्यूटन, एट जो है उसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है 8 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 100, 800, क्योंकि डायरेक्शन उसी सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए कास जीरो की वैल्यू 1 हो गई। हेंस नेट टोटल वर्क डन जो है W इक्वल टू 800 जूल। एग्जांपल रिलेटेड ऑफ पावर, नेक्स्ट एग्जांपल पावर से रिलेटेड है। ए गैरेज होस्ट लिफ्ट ए ट्रक अप टू 2 मीटर एबव द ग्राउंड इन 15 सेकेंड, फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू द ट्रक। आपको दिया गया है गिवन 1000 केजी एज द मास ऑफ ट्रक। इसका सोल्यूशन, फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन व्हिच रिक्वायर्स फॉर नेसेसरी टू लिफ्ट द ट्रक अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हमें इसे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स की वैल्यू एफ इक्वल टू एम इन टू जी, जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड होती है। तो W इक्वल टू एफ इन टू जी, एम की वैल्यू है 1000 के जी, 1000 के जी, जी की वैल्यू होती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया 9810 न्यूटन। तो W इक्वल टू होता है एफ इन टू डी, एफ की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 9810 न्यूटन, और D की वैल्यू दिया गया है 2 मीटर, मल्टीप्लाई कर दिया 19600 न्यूटन मीटर, और वर्क की एनर्जी होती है जूल, तो इसको हमने जूल लिख दिया। तो पावर इक्वल टू फार्मूला होता, हम जानते हैं कि P इक्वल टू W अपॉन T है, W की वैल्यू है 19600 जूल, 620 जूल, T की वैल्यू जो दिया गया है वो आपको 15 सेकेंड है, वैल्यू रख दिया तो इसकी वैल्यू आगे सिंप्लीफाई कर दिया तो 1308 वाट। एग्जांपल हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में है। उसमें दिया एन 8000 केजी इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 2000 केजी एलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल ट्रक इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रक ऑफर्स ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 50,000 न्यूटन, देन कैलकुलेट पहला नेट एसिलरेटिंग फोर्स, सेकेंड एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले हमें दिया गया है एफ की वैल्यू जो दी गई है वो 40,000 न्यूटन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है 5,000 न्यूटन, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जो निगेटिव साइन है डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स को इंडिकेट कर रहा, देयरफॉर नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस 14,000 न्यूटन प्लस माइनस 5,000 न्यूटन ये दे देता है 35,000 न्यूटन। सेकेंड, टोटल मास ऑफ द ट्रेन इक्वल टू मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ एज वैगन। तो नेक्स्ट है मास ऑफ जो है 40,000 केजी प्लस 5 इंटू 2000 केजी इक्वल टू 8,000 केजी प्लस 10,000 केजी, देयरफॉर टोटल मास ऑफ ट्रेन इज 18,000 केजी। एज पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट एफ इक्वल टू एम ए, यहां से एसिलरेशन ए इक्वल टू एफ बाई एम, देयरफॉर एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन इक्वल टू नेट एसिलरेटिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द ट्रेन, दैट इज द फोर्स है 35,000 न्यूटन अपॉन मास जो है 18,000 केजी, इसलिए एसिलरेशन आ गया 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द एसिलरेशन ऑफ ट्रेन इज 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्लाइड, हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव ऑफ फोर्सेज एंड कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडी। थैंक यू।